सभी दोस्तों को जय हिंद, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों तैयारी में लगे होंगे अब। दोस्तों बहुत ही कम टाइम बचा है, एक दो दिन बचे हैं दोस्तों आपके टाइपिंग के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, पीएचटी में दोस्तों और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और दोस्तों मेडिकल के भी जो कुछ पॉइंट है दोस्तों उसको भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए, जो दोस्तों बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस टॉपिक में करेंगे आज बात। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें जैसे आप करते हैं, और दोस्तों कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो मैं देखता रहता हूँ आपके सारे कमेंट जैसे मेरे को टाइम मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ टाइम काफ़ी कम मिलता है, टाइम की काफ़ी कमी है। क्योंकि जब एक बार आप जॉब में आ जाएंगे तब आप भी समझेंगे कि कितना बिजी शेड्यूल रहता है दोस्तों हमारा। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करते रहें और मैं उनको देखता हूँ जरूर, उनके ऊपर ही दोस्तों वीडियो बना के लेके आता हूँ, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो बना के लेके आते रहूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो और दोस्तों उससे पहले बताना चाहूँगा आपको कि जब आप जाएंगे अपने मेडिकल देने के लिए तो दोस्तों 3 या 4 दिन का आप इंतजाम करके जाएँ अपना, कि 3-4 दिन आपको लग सकते हैं अपने मेडिकल के दौरान। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सब चीज़ें आपके एक साथ होने वाली हैं, पीएचटी से लेकर दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन से लेकर मेडिकल, उसके बाद री मेडिकल। दोस्तों ये सब चीज़ें होने में 3 से 4 दिन तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि आपने भी यदि पहले इससे पहले मेडिकल दिया होगा तो आपको पता है कि सुबह से शाम तक हम बैठे रहते हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, काफ़ी चीज़ें दोस्तों नहीं हो पाती हैं, फिर दोबारा सुबह बुलाया जाता है और सुबह से शाम तक फिर बिठाया जाता है। और जिन बच्चों का दोस्तों कैंडिडेट का नया है, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मेडिकल देने, तो दोस्तों उनको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है इसमें। तो दोस्तों अपना 3-4 दिन का इंतजाम करके जाएं घर से ताकि आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको लेके जाने हैं। दोस्तों मुझे यकीन है और मैं भरोसा करता हूँ कि आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल अच्छी बनाई होगी, मेंटेन करके रख रहे होंगे, उसमें दोस्तों अपने सारे डॉक्यूमेंट और एक एक फोटो कॉपी उनकी सेट आप लेके जाएंगे। फर्स्ट में दोस्तों आपकी बात करते हैं 10th क्लास का आपकी मार्कशीट, आपका पासिंग आउट सर्टिफिकेट, इसके बाद 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग आउट सर्टिफिकेट, इसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमोसेल, और इसके अलावा दोस्तों अपने एनसीसी के लिए तो एनसीसी के प्रमाण पत्र, मतलब दोस्तों जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो सब दोस्तों लेके जानी है। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, दोस्तों अपना आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, दोस्तों जो कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट पूरे एक साथ इकट्ठा करके दोस्तों इसकी एक एक सेट फोटो कॉपी अपने साथ रख लीजिए। और इसके बाद दोस्तों 4 या 5 अपने पास आपकी रिसेंटली फोटो जो खींची हो ये जरूर रख लीजिए। दोस्तों यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेंटर का आपको चाहिए होगा आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, यदि आपने बनाया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ दोस्तों वो चीज़ लगेगी और वो देखेंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। दोस्तों कई जगह पे ऐसा होता है कि कुछ जो हमारे कास्ट के सर्टिफिकेट होते हैं उसमें दोस्तों एक डाउट ये होता है कि कौन सी चीज़ें लगेंगी। अब दोस्तों जैसा ये होता है कि मानो मैंने एज मेरी ज़्यादा है और मैंने अपना कास्ट का सर्टिफिकेट डाला के अपनी एज को कम कराया है, क्योंकि ताकि मैं उसमें अपेयर हो सकूं, उस एग्ज़ाम को दे सकूं, तो उस जगह दोस्तों यदि आपका सर्टिफिकेट सही नहीं है, कुछ में गलती होती है, तो दोस्तों वहां से आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि मैंने सिर्फ अपनी मेरिट को फाइट करने के लिए, मेरिट को कम लाने के लिए मैंने अपना सर्टिफिकेट लगाया है, तो क्या होगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलत चीज़ें पाई जाती हैं कास्ट सर्टिफिकेट में। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ ये है, आपको बाहर तब किया जाएगा यदि आपने एज में छूट लेने के लिए अपना जो सर्टिफिकेट लगाया है, और दूसरी चीज़ तब लगाई जाएगी यदि आपने अपनी कैटेगरी से अपनी जो मेरिट है उसको फाइट करने के लिए ये सर्टिफिकेट लगाया है। सिंपल से दोस्तों ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद दोस्तों जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारे गढ़वाली, कुमाऊनीस और गोरखा जो हमारे हैं, इसके बाद दोस्तों जो मराठास हैं या फिर जो डोगरा है हमारे जम्मू कश्मीर के, दोस्तों ये सब चीज़ें जो आती हैं, जो कैटेगरी हमारी है दोस्तों, इनको हिली एरिया में छूट मिलती है अपनी हाइट के ऊपर। तो इनके बाद दोस्तों हाइट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है यदि वो छूट चाह रहे हैं अपनी हाइट में। और दोस्तों यदि उनको कोई छूट नहीं चाहिए, उनकी हाइट ज़्यादा है, तो उनको सर्टिफिकेट दोस्तों दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों फर्स्ट में आपको क्लियर में समझा दूँ कि आपका प्रोसेस होना है। फर्स्ट में दोस्तों होना है आपका टाइपिंग का टेस्ट। जितने भी बच्चे दोस्तों जाएंगे फर्स्ट में उनको टाइपिंग का टेस्ट होगा, और उसमें से बच्चे छट जाएंगे, बाकी बच्चे अपने घर चले जाएंगे जो बाहर हो जाएंगे। अब दोस्तों जो बच्चे छटेंगे उनका पीएचटी या डॉक्यूमेंटेशन एक दिन में होगा या नेक्स्ट दिन भी हो सकता है। और दोस्तों उसमें जो बच्चे पास हो जाएंगे, कुछ दोस्तों अपनी हाइट में फेल हो जाएंगे, कुछ चेस्ट में फेल हो जाएंगे। वैसे दोस्तों चेस्ट में कम बच्चे फेल होते हैं, मैक्सिमम बच्चे हाइट में अपने बाहर हो जाएंगे पीएचटी के दौरान। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी फिजिकल इवेंट नहीं है, कोई भी रेस नहीं है। एक कमेंट में बस आया था कि सर रेस कब होगी, तो दूसरे बच्चे ने कमेंट किया था रेस कौन सी रेस। तो दोस्तों रेस कोई भी नहीं है इसमें, आप समझ जाएं। फिजिकल इवेंट जिसे हम कहते हैं पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी हाइट, वेट और चेस्ट, ये 3 चीज़ आपकी निपेगी। और उसमें आप पास हैं तो उसके बाद आप जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, या उससे पहले भी डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है जैसे मैंने आपको बता दिया। इसमें दोस्तों जो बच्चे पास होंगे वो जाएंगे फाइनली अपनी मेडिकल देने के लिए। अब दोस्तों मेडिकल में इसने बताया तो इतना लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए 3-4 दिन का आप अपना टाइम जरूर
जरूर लगा के चले, आपको 3-4 दिन जरूर लग जाएंगे इन सब चीज़ों पर। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट यह आ रहा था, क्योंकि दोस्तों जैसे मेरे को याद आता है मैं कमेंट बीच में लेते रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों एक कमेंट यह आया था कि सर चश्मा लगा के हम टाइपिंग कर सकते हैं क्या, ये काफ़ी बच्चों का कमेंट था। दोस्तों बिल्कुल आप कर सकते हो, सिर्फ आप मेडिकल के टाइम पर चश्मा ना लगाइएगा, बाकी आप टाइपिंग तो जरूर करें चश्मा लगा के, यदि आप चश्मा लगाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर वैसे ही बहुत घबराते हैं, और घबराहट में दोस्तों आपको वैसे ही थोड़ा कम दिखेगा, तो आपको लिखने में कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि हमको हार्ड कॉपी से अपने पेपर को देख के लिखना है। तो चश्मा जरूर लगाएं लिखते समय, टाइपिंग करते समय, क्योंकि दोस्तों किसी को याद नहीं है कि आप चश्मा लगाने वाले। वही दोस्तों कैंडिडेट है कि आपने चश्मा लगाया था, आपने चश्मा उतार दिया, दोस्तों इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि जो आपको नज़र रखेगा। तो सिंपल सी बात है, चश्मा लगा के आप टाइपिंग करें, बाद में चश्मे को अंदर रख दें जब आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल दोस्तों उस दिन होना भी नहीं है, मेडिकल शायद उसके नेक्स्ट डे ही होना कन्फर्म है, कि फर्स्ट दिन आपकी टाइपिंग होगी उसके बाद मेडिकल होगा। तो चश्मा लगा के टाइपिंग करें, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो बात करते हैं मेडिकल के बारे में कि दोस्तों मेडिकल में आपको कितने दिन दिए जाएंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल मान लो आपका एक दिन में हो जाता है और आपको दोस्तों री मेडिकल मिल जाता है, तो दोस्तों क्या प्रोसेस होगा। इससे पहले दोस्तों आपका होगा SSC GD के हमारे मेडिकल में क्या हुआ था दोस्तों ये चीज़ें हुई थी कि जिस बच्चे को माइनर चीज़ों में री मेडिकल मिला था, उसका दोस्तों नेक्स्ट डे उसी सेंटर पर मेडिकल कर दिया था री मेडिकल। लेकिन दोस्तों जिसको थोड़ा मेजर, जिसकी कैटेगरी थी, जिसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो दोस्तों उसको 8-10 दिन का टाइम दिया जा रहा था, और 8-10 दिन के बाद दोस्तों उसका सेंटर चेंज करके कहीं और उसको बुलाया जा रहा था। तो दोस्तों ये चीज़ें भी होनी संभावित है कि दोस्तों ये चीज़ भी आपके साथ हो जाए, क्योंकि दोस्तों क्या है कि एक महीने तक मेरी प्रोसेस चलना है, और री मेडिकल जो मैंने आपका प्रोसेस बताया कि काफ़ी बच्चों का दोस्तों नाक की हड्डी बड़ी होगी, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, दोस्तों वो ऑपरेशन कराएंगे, वो बाहर नहीं है दोस्तों, वो फिट है, लेकिन क्या उनको ऑपरेशन कराना है बस। जैसे वो ऑपरेशन कराएंगे दोस्तों वो चीज़ फिट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम से आप ठीक कर सकते हैं, जो आपकी नेक्स्ट डे ही ठीक हो जाएंगी। जैसे दोस्तों कई बच्चों को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आइज़ में, वो नेक्स्ट डे जाके पढ़ेंगे दोस्तों वो ठीक हो जाएंगे। कई का दोस्तों बीपी बढ़ा हुआ आएगा, वो नेक्स्ट डे अपना बीपी चेक कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो नेक्स्ट डे के लिए रीमेडिकल के रख दी जाएंगी, और उसके बाद दोस्तों मेरे को लगता है कि कुछ टाइम आपको जरूर दिया जाएगा, 8-10 दिन का टाइम, कि जो जिसकी थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको दोस्तों ठीक करने के लिए। लेकिन दोस्तों इस पर डाउट है, भी देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद दोस्तों एक फीमेल कैंडिडेट में मैसेज आया था कि सर फीमेल का मेडिकल किस तरीके से लिया जाता है। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट जो भी है आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेल कैंडिडेट जिस तरीके से मेडिकल लिया जाता है उसी तरीके से आपका भी मेडिकल लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों पूरी ही फीमेल स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल होगी, मेल दोस्तों कोई भी नहीं होगा जब आपका मेडिकल होगा। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी स्टाफ होगा दोस्तों वो पूरा फीमेल कैंडिडेट से फीमेल स्टाफ ही होगा पूरा डॉक्टर का। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि कोई मेल या कैंडिडेट ना हो, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो पहली बार अपना मेडिकल देने जा रहे होंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनको पूरा फीमेल जो स्टाफ है वो मिलेगा, और तभी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि फीमेल के डॉक्टर द्वारा ही दोस्तों आपकी चेकिंग करी जाएगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, फीमेल प्रॉब्लम कोई है दोस्तों आपको, तो आप उनको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेल दोस्तों वहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। तो आपकी अटेंशन खत्म हो जाएगी कि कोई भी मेल डॉक्टर या मेल दोस्तों स्टाफ कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको बिल्कुल टेंशन खत्म है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको अच्छे से मेडिकल देना है। एक तरीके से फौज में आप आ रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा आपको बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा शर्माना कम पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आपको फेस करनी सीखनी होंगी। इसका दोस्तों एक कमेंट में बस ये आ रहा था कि सर इंटरनल प्रॉब्लम की बात बता दीजिए, क्या क्या चीज़ें होंगी, इंटरनल प्रॉब्लम यदि है तो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन री मेडिकल में जैसे पाइल्स वगैरह कोई भी समस्या है आपको, इस तरीके से इंटरनल प्रॉब्लम कुछ भी है, तो दोस्तों उसका ऑपरेशन आप करा सकते हैं, और ज़रूर आपको कराना ही होगा। और दोस्तों उनको रुकना ही होगा, क्योंकि आप बाहर नहीं है, ओके, इसमें कोई बाहर नहीं होता है। आप एक बार री मेडिकल कराएंगे, आपका दोस्तों अपना ऑपरेशन कराएंगे, उसके बाद री मेडिकल में आएंगे, आपको फिट कर दिया जाएगा। लेकिन ये अभी देखना है कि उसके लिए कितना टाइम आपको दिया जाएगा, दोस्तों ये अभी कंफर्म नहीं है कितना टाइम आपको दिया जाएगा, तो वो देखना जरूरी है। लेकिन दोस्तों टाइम जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन कराने को आपको बिल्कुल टाइम दिया जाएगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर मैं ऑपरेशन करा के आऊँगा, चाहे आप 2 दिन में करा के आ जाए, लेकिन दोस्तों आपको टाइम जरूर दिया जाएगा अपना ऑपरेशन कराने के लिए। इसका दोस्तों एक कमेंट और बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर हमने चश्मा लगाया हम क्या करें, हम जाएँ कि ना जाएँ। दोस्तों चश्मे पे भी ऊपर डिपेंड है कि वो आपकी जो आई है वो कितनी कमज़ोर है। जैसे मैंने को बता रखा है कि 6x6 की जो सबसे लास्ट लाइन होती है, यदि आप 1-2 पॉइंट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ज़रूर जाएँ। आप 6x9 या 6x12 आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, जो ऊपर 6x12 नहीं पढ़ पा रहे हैं, 6x9 के कुछ पॉइंट नहीं पढ़ पा रहे हैं दोस्तों फिर भी चल जाएगा, और 6x6 के तो बिल्कुल जाना चाहिए, इसको 1-2 पॉइंट 6x6 के नहीं दिख रहे हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आई चार्ट आप गूगल पर जाके देखें और उस तरीके से पढ़ें उसको कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो वो आई चार्ट है उसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और दीवार पर लगा सकते हैं, उसके बाद 20 फीट पीछे खड़े होकर उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मेरे को कितनी चीज़ें दिखाई दे रही है कितनी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है आपके चीज़ों आई के चार्ट के लिए।
क्योंकि दोस्तों मेन जो है आंखों के टेस्ट के लिए हमारा आई चार्ट ही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आई चार्ट को पढ़ना है। तो दोस्तों इस तरीके को आप यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के 20 फीट दूर खड़े होकर आप एक बार पढ़ सकते हैं चार्ट को। और दोस्तों ज़्यादा चार्ट हमारे पास है नहीं, वही चार्ट है, एक हमारा हिंदी का चार्ट है, एक दोस्तों सिंबल का चार्ट है। इसके बाद दोस्तों जी आप सबका सिलेक्शन ऑलमोस्ट दोस्तों से मैंने बताया, यदि आप इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली होना है। और दोस्तों मुझसे कौन कौन मिलने के लिए आ रहा है, दोस्तों वैसे मैं बता दूं कि मैं उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करता हूं, और यूपी उत्तराखंड जो भी मेरे आसपास के स्टेट के जो भी लोग हैं दोस्तों, जो भी कैंडिडेट है वो तो मुझसे ज़रूर मिल सकते हैं। और यदि आप चाहें तो मुझसे ज़रूर दोस्तों मैसेज करिएगा कि मिलने के लिए, मैं आपसे डेफिनेटली मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम इस चीज़ के ऊपर कि फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है, SCM की जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती है, दोस्तों आपको सैलरी कितनी मिलती है, दोस्तों इसके अलावा आप कोबरा में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मैं ब्रीफ में जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों मेन फोकस हमारा क्या है, हमारी टाइपिंग को निकालना और दोस्तों हमारी मेडिकल को क्लियर करना। इसका दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल पर बने रहें और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।